असलकुम स्टूडेंट्स दिस इज़ योर टीचर मिसेस सोबिया अजहर बायोलॉजी टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एफ ब्लॉक आज हम अपना सेकेंड ईयर की बुक का फर्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर फिफ्टीन होम्योस्टेसिस स्टार्ट करेंगे वट इज़ होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस जो है ये दो वर्ड्स को आप समझे के मिला के बनाए होम्यो होम्यो मीन्स होम एंड स्टेस मीन्स टू मेंटेन जिस तरह हम अपने होम को मेंटेन करते हैं यू यू डोंट लेट एनीथिंग एक्स्ट्रा कम इनसाइड योर हाउस जैसे सर्दियों में आप दरवाजे बंद कर लेते हैं और गर्मियों में आप खोलते हैं ताकि अंदर की हीट चली जाए इसी तरह जो लिविंग सेल है ये भी अपने इंटरनल इन्वामेंट को मेंटेन रखता है इन अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएशन ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाहर की इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं उसके हार्मुल इफ़ेक्ट से अपने आप को मैंटेन रखता है तो द डिफिनेशन ऑफ होम्योस्ट्रेसिस इज़ प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट फॉम फ्राम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उनके नुकसान से उनके हार्म से अपने सेल को बचाना जो है ये होम्योस्ट्रेसिस का मेकनिज़म कहलाता है होम्योस्ट्रेसिस के लिए आप यू नो दैट एवरी सेल जो है वो uh, एक अपनी स्पेसिफ़िक uh, पैटर्न लेकर जो है इवॉल्व हुआ है हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है मेरीन ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो वाटर में रहेंगे और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो लैंड पे सरवाइव करते हैं वाटर में सरवाइव नहीं कर सकते इस तरह अम, हर ऑर्गेनिज़म का अपना एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है जितना बेहतर होम्योस्टेटिक होम्योस्टैटिक मेकनिज़म होगा उस ऑर्गेनिज़म में उतनी ही बेटर अडेप्टेशनस होंगी और जितना कोई ऑर्गेनिज्म जो है द इट्स बेटर एडेप्टेड उतना ही वो बेटर सर्वाइव करेगा एनी वेयर इन द इन्वायरमेंट जितनी उसके अंदर एडेप्टिव पार ज़्यादा होंगी तो उसका सर्वाइवल रेट जो है वो ज़्यादा होगा इसे इससे हम कहते हैं सो बेटर द होम स्टेस फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट गिव राइजेस और इट मेक्स दैट ऑर्गेनिज्म टू बी बेटर अडोप्टिड एंड अ बेटर अडोप्टिड एनिमल हैज़ बेटर सर्वाइवल और यही हमारा एवोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट है कि जितनी बेटर अडाप्ट adapt उतना बेटर होता है तो होम्योस्ट्रेसिस इज अ फंक्शन विच इज मेकेच गॉड हेज गिफ्टिड द लिविंग ऑर्गेनिजम सो दैट दे कैन सर्वाइव बेटर इन द चेंग इमेंट होम्यूस्टे अब हम नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट वॉट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट के वो कौन से कंपोनेंट्स कौन सी चीज़ें कौन से हिस्से या पार्ट्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट होते हैं फ्राम दाम्स ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सबसे पहला है द वॉटर एंड द सल्यूट्स वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के मुताबिक जो है वो एक स्पेसिफिक है टेम्परेचर एज द टेम्परेचर ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम अब लिविंग बींग्स का थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस है द फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर अगर टेम्परेचर इससे बढ़ जाए तो आपको बुखार है अगर इससे लो हो जाए तो देन यू आर गॉन राइट तो इसी तरीके से दूसरा जो कंपोनेंट है जो इफेक्ट होता है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट इज़ द टेम्परेचर थर्ड थिंग विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ टू मेंटेन इज़ द वेस्ट मटेरियल यू ऑल नो दैट द ऑर्गेनिज़म के अंदर जो है हर वक्त जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो जारी है You take in food, you digest it. Not all the part of the food is digested. Some part is digested and absorbed in the body, whereas, other part, um, which is uh, called now the waste material, that is harmful for the body. So, you have to excrete that out, you have to take that out from your body. आप उसे अपनी बॉडी में नहीं रख सकते तो ये तीन चीज़ें हैं ये तीन कंपोनेंट्स हैं इंटरनल uh, एनवायरनमेंट के जो इफेक्ट होते हैं फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस एंड द हार्म्स ऑफ़ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट्स व्हिच आर बीइंग इफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होम्योस्टेटिक मेकेज़म कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज नंबर वन इज़ ऑसमोरेग्योलेशन Third, then is thermoregulation, and then is excretion. Osmoregulation, thermoregulation, and excretion. G, now we were talking. Uh, we are talking about the three different mechanisms uh, which are part of uh, homeostasis: osmoregulation, thermoregulation, and excretion. ओसमो जो वर्ड है इसका मतलब होता है वाटर एंड सल्यूट्स जहाँ भी आप कभी इस वर्ड को सुनेंगे तो इसका मतलब है वाटर एंड सेल्यूट्स टेम्परेचर में थर्मो रेगुलेशन में थर्म मीन्स टेम्परेचर और तीसरा जो एक्सक्रीशन है वो वेस्ट मटेरियल्स के कंट्रोल में उसके होम्योस्टैटिक बैलेंस में हेल्प आउट करता है अब ये जो कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम ऑसमो रेगुलेशन की जो डेफिनेशन है that is the mechanism of regulation generally between the organisms and its environment of solute and the gain and loss of water is osmoregulation Me uh, excretion is defined as the mechanism which eliminates the nitrogenous waste of the body or is called as excretion thermoregulation is defined as द मेन्टेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज़ डेजिगनेटेड एज़ थर्मोरेगुलेशन तो ये इसके तीनों पा, पार्ट्स हैं पैरामीटर्स हैं और ये इनके आपके डेफिनेशंस हैं जब भी वाटर और सल्यूट की कोई होगी चेंज हो रहा होगा सेल के अंदर या बाहर से आ, आ रहा होगा तो वो उसको हम ऑसमो रेगुलेशन में कहेंगे जैसे मैं आपको उसको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ देट इन समी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर और बहुत ज़्यादा हम पानी पीना शुरू कर देते हैं मगर इट डजेंट मीन्स डैट आर बॉडी इज गोइंग टू बी तो um, जिस तरह uh, समर्ज में हम ज्यादा पानी पीते हैं तो uh, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा वॉटर से फ्लड हो जाए हमारी बॉडी क्या करती है कि इट पासस आउट डाइल्यूट यूरिन सो दैट देयर इज़ देयर एक्सेस वाटर कैन बी एक्सक्रीटेड आउट इसके साथ साथ आपको स्वेटिंग होती है ताकि आपकी बॉडी में वाटर का जो बैलेंस है वो बरकरार रहे वॉइस वर्षा कंडीशन में इन विंटर्स जब हम कम पानी पीते हैं तो उन कंडीशंस में हमारी बॉडी क्या करती है इट पासिस आउट कंसनट्रेटेड यूरिन वो सल्यूट्स को ज़्यादा एक्सक्रीट करती है और वाटर को रिटेन करती है बॉडी में तो दिस इज द मेकनिज़म हाउ डज दिस होम्योस्टेसिस फंक्शन वर्क्स और द बॉडी कीप्स ऑन इट्स होम्योस्टेटिक बैलेंस अब ये तो हमने देख लिया कि होमियोस्टेसिस जो है वो किस तरह से काम करेगा और किन किन चीज़ों में इफेक्ट होगा अब हमने ये देखना है कि हाउ डज़ होमियोस्टेसिस वर्क होमियोस्टेसिस का जो तरीक़ेकार है अमल करने का वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे एक फ़िज़िकल कंट्रोल मेकेानिज़म है फिज़िकल कंट्रोल मेकेानिज़म में मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ जिस तरह और आयरन की और आ, किसी भी मेकनिज़म को वर्कआउट करने के लिए आप लोग जानते हैं दैट वी हैव थ्री कंपोनेंट्स द रिसेप्टर्स, द कंट्रोल सेंटर एंड द इफेक्टर्स रिसेप्टर्स का काम क्या है कि वो उस एक्सटर्नल इन्वामेंट के स्टिमुलस को रीड करते हैं डिटेक्ट करते हैं और कंट्रोल सिस्टम को पहुंचाते हैं और इसी तरह फिर वो कंट्रोल सिस्टम जो है आगे इफेक्टर को Uh, जो है वो ऑर्डर uh, पास करता है और उसके मुताबिक बॉडी जो है अपने आप हाँ को मेंटेन करती है जिस तरह एग्जांपल आप ले ले आयरन स्त्री आपके सबके घर में है आपको पता है उसके ऊपर एक टेम्परेचर गेज या टेम्परेचर रेंज मौजूद होती है जब आप स्त्री को ऑन करते हैं आयरन को तो आप उसका एक टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं लट से थ्री पे किया है फ़ोर पे किया है फ़ाइव पे किया है फिर इसी तरीके से जैसे ही वो उस स्पेसिफ़िक टेम्परेचर पर पहुँचती है तो उसके अंदर मौजूद सेंसर जो है उसका टेम्परेचर अगर उस स्पेसिफिक से बढ़ने लगता है तो मौजूद सेंसर जो है उसे ऑफ कर देता है और जैसे ही नीचे जाने लगता है कम होने लगता है वो दोबारा ऑन हो जाती है सेम इज़ द वे इन विच आर बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम वर्क्स इसमें जो चेंज इन द इन्वायरमेंट है उसे हम स्टिमुलस कहते हैं और इसके लिए हमारी जो स्किन है वो भी एक डिटेक्टर uh, है और हमारी सारी फाइव सेंसेस जो हैं ये सब डिटेक्टर्स हैं ये सब के सब जो हैं वो डिटेक्ट करती हैं बॉडी को uh, ये सारी के क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे एक्सटर्नल इन्वामेंट में देन दिस देंट these uh, stimuluses or the changes to the brain which is the control system in the living organism and then these brains it gives message to the effectors to work uh, according to it और इसके लिए फैक्टर्स जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं वो ग्लैंड मसल्स और हॉर्मोन्स होते हैं ये ग्लैंड्स और मसल्स और हॉर्मोन्स जो हैं ये इसको वर्कआउट uh, करते हैं सो द लिविंग कंट्रोल सिस्टम वर्क्स एग्जैक्टली ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम एंड इट ऑल इट हैज थ्री कंपोनेंट द रिसेप्टर्स द सेंटर्स एंड द इफेक्टर्स ये हमारे कंपोनेंट्स हैं लिविंग कंट्रोल सिस्टम के और इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो होम्योस्टैटिक फंक्शन को करती है फिर उसके बाद एक चीज होती है वी से दैट फीडबैक मेकनिज़म फीडबैक मेकनिज़्म जो होता है वो दो तरह का होता है आदर यू गेट अ पॉजिटिव फीडबैक और यू गेट अ नेगेटिव फ़ीडबैक पॉजिटिव फीडबैक तब होता है जब बॉडी कंट्रोल सिस्टम जो है अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट अपनी आपको मैनेज कर रही होती है और नेगेटिव फीडबैक कब होता है जब हमारी बॉडी चेंज इन एनवायरनमेंट के अगेंस्ट काम कर रही होती है और उसको हम नेगेटिव फीडबैक मेकेनिज़म कहते हैं और दिस इज़ हाउ द बॉडी वर्क्स। आई होप कि आपको होम्योसाइसिस का इंट्रोडक्शन जो है वो समझ आ गया होगा इन शाह तला वी विल मीट विद नेक्स्ट लेसन इन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर और अच्छे ध्यान से पढ़िए और प्लीज़ बी अटेंटिव अल्लाह हाफ़िज़